हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते। और तो क्या बोलूँ, यही आता भाई हमारे को राम राम। तो आज हम अपना किट्टू भाई आया अपने पास, बोल के गया था 6 बजे पहुँच जाऊँगा, पहुँच भी गया 6 बजे। तो राम राम, राम राम बोल। ये अपना छोटा भाई है, दिखने में बड़ा है लेकिन है उम्र में छोटा है। तो भाई आज क्या करने आए हैं किट्टू? आज हम देखेंगे मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और रीज़न ये है कि हम शिमला जा रहे हैं क्योंकि यहाँ मूवी लगी नहीं है सोलन में एक्चुअली, तो फिर हमको जाने पड़ेगा। सोलन वालों ने घटिया काम किया है, गर्मी में सारा हमारे को शिमला जाना पड़ रहा है स्पेशल मूवी देखने के लिए। अरे छाती हो गई है, कुछ तो करना चाहिए। मूवी ऐसी है कि देखनी तो भाई अपने देश की ऐसी ऐसी मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि हमारे हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, कल्चर के बारे में बताती हैं, देखनी चाहिए ना, तो इसलिए देखने जा रहे हैं। ऊपर से अक्षय कुमार का कुछ चड्डी फैन है। मैं तो नहीं हूँ पर ये जरूर है। मैं तो किसी का फैन। मूवी फ्लॉप हो चुकी है बट फिर भी मूवी फ्लॉप है, मेरे को फंसाया गया है। मूवी अच्छी है, इससे कुछ और रीज़न दे मूवी फ्लॉप हुई है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो बाकी रिव्यू भी करेंगे हम मूवी का भी, ठीक है, बताएंगे कैसा हमारे को कैसी लगी। चलो ठीक है। और यहाँ है आप हमारा यूनिवर्सिटी JCB। जाम और जाम शिमला की सबसे बड़ी तो फिर जाम शिमला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जाम है यार। ऊपर जाना है नीचे? ऊपर ही जाना है वैसे, नीचे तो बस स्टैंड को जाता है। ये सिटी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसी पे जाम, फिर से जाम। बाइक के ही फायदे हैं शिमला में, तो गाड़ी तो निकलेगी नहीं आते जाम इतना है। बिल्कुल भाई जी,
भी आ चुके हैं जाम के चपेटे में। पोल्यूशन भी बहुत होता है, अपनी कितनी गाड़ियाँ हैं। मेरे को लगता है शिमला के कुछ ऊपर से बाईपास वाईपास निकालना चाहिए, वरना ये अंदर इतना पोल्यूशन हो गया देखो गाड़ियों की वजह से। बिल्कुल सही बात। हाँ तो यार देख धुआं ही धुआं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे सुना तो कुछ नहीं है, बट चलो फिर भी यहाँ पे हम कर देता हूँ। यार मेरे मतलब कि यार कुछ ज़्यादा ही, यहाँ कुछ ऑड इवन वाला चक्कर कर लेना चाहिए गाड़ियों का, दिल्ली में होता है बहुत गाड़ियाँ। चीरते हुए बीच से जैसे पृथ्वीराज चौहान ने जंग जीती थी, मतलब दूसरी तो हार के थे, पर चलो वैसे ही हम जंग जीत ही जा रहे हैं। भाई साहब ये तो ट्विस्ट है, लग जाएगा पता मूवी देखने के बाद कि वो क्या ट्विस्ट। यहाँ पे साइकिल का आनंद लेते हैं भाई, ये तो बहुत कुछ टूट गया है, मेरे को भी साइकिल है। होटल विक्रांत होटल, सॉरी इधर ही कहीं ब्रो, इधर ही आसपास मतलब लोकेशन होगी। तो भाई साहब हमको पार्किंग ही नहीं मिल रही है, थिएटर पीछे रह चुका है। एक तो इतना कंजेस्टेड शिमला, कम से कम कुछ पार्किंग के लिए तो करो यार। पार्किंग के लिए कहाँ करे, स्पेस ही नहीं है यार इनकी भी, क्या गलती, मेन बात है स्पेस। तो अभी हमारे को दो पार्किंग की जगह से धक्के मार के बाहर निकाला गया है। कि भाई यहाँ बाइक को भी नहीं लगती पार्किंग, यार बाइक वालों की इज्जत नहीं करते क्या लोग यार। तो अब तीसरी जगह देखते हैं क्या होता है। सर बाइक पार्किंग कहाँ होगी, आना बाइक पार्किंग आगे चल लो, आगे ना फिर चल लो। कोई इज्जत नहीं है भाई। हाँ वो आप बाइक पार्क हो जाएगी सर इधर, बाइक पार्क एक बंदे ने मार दिया उसके बाद, पर मैं पुलिस वाले यार ढंग से बात नहीं करते। तो पार्किंग की जगह असल में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना बेचारे यार, पूरा पूरा दिन शिमला में जिसकी ड्यूटी है ना। ये तो है, नौकरी ऐसी है, शायद हमको मिले अब कहीं। तलाश जारी है, पार्किंग नहीं मिल रही है सर। बाइक पार्किंग थैंक यू सर। और फाइनली शायद हमें मिल गई है पार्किंग, यहाँ पे पता नहीं पार्क करने देंगे कि नहीं। यहाँ दिखाऊंगा जाएगी ना।
फाइनली मिल गई है पार्किंग और हम जाएंगे पैदल। ऐसे की थोड़ा मटकर ऐसे किया कर चले। तो फाइनली हम कुछ जगह मिल चुकी है पार्किंग की और हम जाएंगे पैदल।